महासभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त मंचासीन नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवान दोस्तों, तो पत्रकार बंधु, मैं उम्र में आप सबसे बहुत छोटा हूं और शायद तजुर्बे में, इसलिए अपनी बात भी छोटी रखूंगा। आप में से बहुत कम लोगों ने मुझे देखा हुआ है, मुझे जानते होंगे। मैं भी इसी क्षेत्र के किसान परिवार का बेटा हूं। मेरा परिवार और मेरे दादाजी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के किसानों की आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे। लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लोकतंत्र का बुनियादी नियम है। ओम भैया, हम और हमारी पार्टी जनता के द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान करते हैं और उस निर्णय को हमें स्वीकार। मैंने इस चुनाव को बहुत नजदीकी से देखा। पहली बार क्षेत्र में लोगों से मिला, उनकी समस्या देखी। वो समस्या देखने के बाद मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना बाकी है। उस काम करने को जरूरत, उस काम का समस्याओं का हल करने की जरूरत है और वो काम जिनकी आवश्यकता है वो आवश्यकता हम पूरी करेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और जो काम हम अपने हाथों में ले रहे हैं, ये जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं कर लेगा तब तक हम विश्राम से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी और उसमें शिवराज जी की फोटो के साथ लिखा था कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी अलाइव इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा दिया गया योगदान मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास में याद रहेगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई उन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया। उसका कहना पड़ा कि ऐसा मुख्यमंत्री ने कभी हुआ है ना होगा। मैंने कहा सही है और होना भी नहीं चाहिए। जिस मुख्यमंत्री के 13 साल के कार्यकाल में मेरे प्रदेश के 16,000 किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा था, ऐसा मुख्यमंत्री सही में नहीं होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास में न कभी हुआ है और न कभी होगा। हमारे नेता, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने एक बात को सिद्ध करके दिखा दी है कि किसानों का हित करने के लिए किसान पुत्र मुख्यमंत्री होए कोई जरूरी नहीं। अभी हालात ये थे कि प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री को बोलना पड़ा था कि कर्ज माफी करना संभव नहीं है, खजाना खाली पड़ा है और यदि कर्ज माफी जैसा कदम कोई सरकार उठाती है तो कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ जाएंगे। इस परिस्थिति के बाद भी हमारे नेता ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम कर्ज माफी करके भी दिखाएंगे और सरकार चला करके भी बताएंगे। और करके दिखाया भी है, शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर कर्ज माफी तो कर दी है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारी सरकार पर, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया विरासत में 1,86,000 करोड़ का कर्ज कम होगा, कभी बढ़ेगा नहीं। ये कर्ज कैसे हुआ मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, मुझे बहुत कुछ बात है मेरे पास कहने लायक, बाकी अब इतना समय आपको नहीं लूंगा। आज सिवनी वाल में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, उस राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे एक वाक्य याद आता कि पेश आएगी हमारी जरूरत आपको कभी कभी, पेश आएगी हमारी जरूरत आपको कभी कभी। ओम भैया, हम और हमारी पार्टी आपको पूरा विश्वास दिलाती है कि सिवनी मालवा की जनता की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी कांग्रेस पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी से इस पार्टी का कार्य किया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए, कार्य कुशलता को देखते हुए मैं आज दावे से कह सकता हूं कि आगे आने वाले अगले चुनाव में सिवनी मालवा में हम उसी धमक के साथ लौटेंगे जिस तरीके से 1977 में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।